नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं गुड लक टुडे, आपके साथ मैं हूं रेखा कड़ाकोटी। और इस कार्यक्रम में मेरे साथ मौजूद होते हैं पंडित शैलेंद्र पाने जी। बहुत बहुत स्वागत है पंडित जी आपका इस खास शो में। नमस्कार। तो कार्यक्रम में आज हम बात करेंगे कांच की। कांच का ज्योतिष में किस ग्रह के साथ क्या संबंध है और दैनिक जीवन में कांच का प्रयोग करने में क्या सावधानी रखी, कांच से जुड़ी हुई या फिर और भी विशेष बातें इससे जुड़ी हुई हम आपको कार्यक्रम में आगे बताएंगे। लेकिन शुरुआत करेंगे गुड लक मंत्र के साथ। पंडित जी, शुक्रवार के दिन आप अपने घर में सुगंधित फूल लाने का प्रयास करिए। चाहे एक स्टिक ही ले आइए, लेकिन शुक्रवार के दिन घर में सुगंधित फूल ले आइए, भगवान को चढ़ाइए या गुलदस्ते में लगाइए। अगर आप ऐसा हर शुक्रवार के शुक्रवार करते हैं तो आपके घर में शांति बनी रहेगी, आपके घर में खुशहाली भी बनी रहेगी। तो इस एक मंत्र के जरिए आप भी अपना गुड लक चमका सकते हैं। फिलहाल गुड लक मंत्र के बाद आगे बढ़ते हुए आप 26 फरवरी का पंचांग भी देख लेते हैं। दिनांक 26 फरवरी 2022, दिन शनिवार, तिथि है फाल्गुन कृष्ण पक्ष की दशमी तिथि, सुबह के 10:39 तक। नक्षत्र है मूल नक्षत्र, सुबह के 10:32 तक। इसके बाद पूर्वाषाढ़ा। चंद्रमा धनु राशि में संचरण कर रहे हैं, राहु काल का समय सुबह के 9 से लगभग 10:30 तक। पूर्व दिशा की तरफ यात्रा करने की मनाही है, लेकिन अगर यात्रा करना जरूरी है, मजबूरी है, तो जरा सा घी खाकर और भगवान का स्मरण करके यात्रा करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे। तो ये तो बात हो गई 26 फरवरी के पंचांग की। किस तरीके से आप भी पंचांग देखकर अपने दिन की शुरुआत शुभ तरीके से कर सकते हैं ये आपने जान लिया। आइए अब आगे बढ़ते हुए आज के विषय पर भी बात कर लेते हैं, जहां पर हम आज जानने वाले हैं कांच के ज्योतिष कनेक्शन के बारे में। तो कांच का जो ज्योतिष में कनेक्शन है वो अगर ग्रहों से हम देखें तो क्या संबंध होता है इसका, आइए जान लेते हैं पंडित जी से। कांच का ज्योतिष में किस ग्रह से संबंध है? कांच यानी ग्लास मुख्य रूप से शुक्र से संबंध रखता है, लेकिन अलग अलग रंग का ग्लास होता है, अलग अलग रंग का कांच होता है, जो इसे अन्य ग्रहों से भी जोड़ता है। इसके अंदर के जो रंग होते हैं, अलग अलग रंग का जो ग्लास होता है, वो अलग अलग तरीके का प्रभाव पैदा करता है। कांच जितना ज्यादा पारदर्शी होता है, ग्लास जितना ज्यादा ट्रांसपेरेंट होता है, उतना ही ज्यादा शुक्र के निकट होता है। और जब आप जीवन में कांच की वस्तुओं का, ग्लास मटेरियल्स का ज्यादा इस्तेमाल करते हैं तो इसका प्रभाव आपके जीवन में आपके शुक्र के ऊपर पड़ने लगता है। तो ग्रहों से क्या संबंध होता है कांच का, ये हमने जाना। और पंडित जी ने जैसा कि बताया कि शुक्र ग्रह से कांच संबंधित होता है। फिलहाल आगे भी इस पर हम चर्चा करेंगे, लेकिन अब बात राशियों की कर लेते हैं और जानते हैं मेष, वृष और मिथुन राशि के बारे में। मेष राशि, स्वास्थ्य की स्थिति में सुधार होना आरंभ हो जाएगा, सेहत आपकी बेहतर होती चली जाएगी। इस समय आपके लिए धन लाभ के अच्छे योग भी दिखाई दे रहे हैं, और अगर आप इस समय कोशिश करें तो आपके तमाम रुके हुए काम भी इस समय पूरे होंगे। शुभ रंग जिसका प्रयोग करेंगे वो होगा नारंगी, और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75%, यानी उत्तम भाग्य आपके साथ बना रहेगा। वृषभ राशि, स्वास्थ्य का बहुत ध्यान रखिएगा, सेहत आपकी बिगड़ सकती है। इस समय धन की हानि से भी आपको बचाव करना चाहिए, और अगर आप मुश्किलों से बचना चाहते हैं तो पीपल के वृक्ष के नीचे एक सरसों के तेल का दीपक जला दीजिएगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करेंगे वो होगा आसमानी, और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%, यानी मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कमजोर रहेगा। मिथुन राशि, इस समय वाहन का लाभ आपको हो सकता है,
करियर से जुड़ी हुई तमाम समस्याएं आपकी हल होंगी और धन लाभ के सुंदर योग भी आपके लिए बने हुए हैं। शुभ रंग जिसका प्रयोग करेंगे वो होगा धानी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70%, यानी मध्यम भाग्य आपके साथ बना रहेगा। तो मेष, वृष और मिथुन राशि के बारे में पंडित जी ने आपको बताया, फिलहाल आगे बाकी राशियों के बारे में भी हम आपको बताएंगे, लेकिन फिलहाल बात आज हम कांच की कर रहे हैं, तो इसी से जुड़ा हुआ अगला सवाल पंडित जी से ले लेते हैं। कांच किस ग्रह से संबंध रखता है ये हमने जाना, लेकिन दैनिक जीवन में अगर हम कांच का इस्तेमाल कर रहे हैं तो किस तरीके की सावधानी हमको रखनी चाहिए, आइए जानते हैं पंडित जी से। दैनिक जीवन में, डेली लाइफ में हम कांच का इस्तेमाल करते ही करते हैं, कुछ नहीं करते तो एटलीस्ट कांच के गिलास से पानी तो पीते ही हैं। देखिए, घर में सामान्यतः मैं कहूंगा कि कांच की वस्तुओं का प्रयोग कम करना चाहिए। जैसे बहुत सारे लोग कांच का गिलास, कांच का प्लेट, कांच के बोल्स, इन सब चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं, तो जहां तक संभव हो अपने घर में कांच की वस्तुओं का प्रयोग आप कम करें, क्योंकि ज़्यादा कांच का इस्तेमाल करने से शुक्र को ताकत मिलेगी और शुक्र अगर ताकतवर होगा तो इमोशनल पार्ट जग जाएगा, जो आपके रिश्ते हैं वो सेंसिटिव हो जाएंगे, वो संवेदनशील हो जाएंगे। कांच की मेज बहुत सारे लोग रखते हैं, ग्लास टेबल रखते हैं या ग्लास टॉप की टेबल रखते हैं, कांच की मेज नहीं रखनी चाहिए, क्योंकि इससे अक्सर रिश्तों में बिखराव पैदा होता है। और कांच के बर्तनों का आप ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे तो इससे जीवन में आनंद की मात्रा कम हो जाएगी। देखिए, मैं ये नहीं कहता कि आप कांच की चीज़ों का इस्तेमाल करिए ही नहीं, करिए, लेकिन बहुत ज़्यादा मत करिए और कांच की चीज़ों का प्रयोग आवश्यकता अनुसार करें तो अच्छा होगा। हर चीज़ में कांच को ले आए, टेबल में ले आए, दीवार पे लगा दिया, बर्तनों में इस्तेमाल कर लिया, ज़रूरत से ज़्यादा ग्लास का इस्तेमाल करना ज्योतिष के लिहाज से बहुत सही नहीं होता। वो कहते हैं ना, किसी भी चीज़ की अति अच्छी नहीं होती, तो ऐसे में कांच का इस्तेमाल आप कर रहे हैं तो फिर ध्यान रखें कि ज़्यादा इस्तेमाल, ज़्यादा चीज़ों की कांच का इस्तेमाल आप मत करें। फिलहाल आगे बढ़ें और उससे पहले आपको बता दें कि अगर कोई सवाल आप पंडित जी से पूछना चाहते हैं आप हमें लिख भेजिए हमारी ईमेल आईडी पे, जो कि आपकी स्क्रीन पर इस वक्त आपको नज़र आ रही होगी। आइए अब नज़र डालते हैं कर्क सिंह और कन्या राशि के दैनिक राशिफल पर। कर्क राशि, आपका जो मानसिक तनाव है वो बहुत हद तक अब दूर होना शुरू हो जाएगा। करियर में आपके लिए लाभ की बेहतर स्थितियां बनेंगी और अगर आप प्रयत्न करेंगे तो इस समय आपको धन की प्राप्ति भी अवश्य होगी। शुभ रंग जिसका प्रयोग करेंगे वो होगा पीला और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 65%, यानी जितनी मेहनत करेंगे उतना फायदा होगा। सिंह राशि, मानसिक तनाव लगातार कम होता चला जाएगा, धन लाभ के योग आपके लिए बन जाएंगे और अगर आप शिक्षार्थी हैं, विद्यार्थी हैं, तो शिक्षा के मामलों में, प्रतियोगिता के मामलों में आपको सफलता मिलेगी। शुभ रंग जिसका प्रयोग करेंगे वो होगा लाल और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75%, यानी उत्तम भाग्य आपके साथ बना रहेगा। कन्या राशि, अगर यात्रा करने जा रहे हैं तो यात्रा में सावधानी रखिएगा, स्वास्थ्य का अपने बहुत ध्यान बनाए रखिएगा और मुश्किलों से बचने के लिए पीपल के वृक्ष के नीचे एक सरसों के तेल का दीपक जला दीजिएगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करेंगे वो होगा नीला और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%, यानी मेहनत ज्यादा है, भाग्य थोड़ा कम है। तो कर्क सिंह और कन्या राशि के बारे में हमने जाना, आगे आपके सवालों के जवाब भी पंडित जी देंगे और साथ ही इंतजार कर रहा है आपका एक महा उपाय भी, लेकिन उससे पहले कांच की हम बात कर रहे हैं तो कांच से ही बना होता है आईना, दर्पण। तो आईने के प्रयोग के बारे में किन बातों का ध्यान आपको रखना चाहिए पंडित जी से समझते हैं।
बिल्कुल सही कहा रेखा ने, कांच का सबसे ज्यादा इस्तेमाल होता है आईने में, मिरर में, दर्पण में, और हम आईने का प्रयोग तो करते ही हैं। कांच के गिलास का प्रयोग करें या ना करें, लेकिन दर्पण का, शीशे का प्रयोग हम जरूर करते हैं। क्या ध्यान रखें? देखिए, आईने की खासियत ये होती है कि वो हर चीज को दुगना कर देता है, डबल कर देता है। आप उसके सामने खड़े होंगे, आपका प्रतिबिंब सामने आएगा, आपका व्यक्तित्व दोहरा हो जाएगा। तो आईना जीवन की हर चीज को दुगना कर देता है और स्वयं की स्थिति दिखाता है कि आपके मन की, आपके शरीर की स्थिति कैसी है। घर में आप आईने का प्रयोग करते हैं तो उसमें हमेशा सावधानी बनाए रखिए, आईने को हमेशा साफ सुथरा रखिएगा। घर में बहुत ज्यादा मिरर या बहुत ज्यादा आईने हर जगह मत लगाइएगा, और जहां भी आईना लगाएं वहां लाइट अच्छी होनी चाहिए ताकि जब आप आईने में चेहरा देखें तो वो परफेक्ट दिखाई दे। अंधेरे में आईना रखेंगे तो वो अंधेरे को दुगना करेगा, वो मत करिएगा। और सोने के कमरे में, बेडरूम में वैसे तो आईना लगाइए ही मत, लेकिन अगर लगाते हैं तो अपने पैरों की तरफ मत लगाइएगा, पैरों की तरफ आईना लगाना अच्छा नहीं होता। और टूटा हुआ दर्पण, टूटा हुआ आईना कभी भी अपने घर में मत रखिएगा। टूटा हुआ दर्पण, टूटा हुआ आईना, इसमें चेहरा देखना असफलता की शुरुआत कर देता है, इसलिए इससे बचना जरूरी है। तो आईने का इस्तेमाल हर कोई करता है, और अगर आप ये गलतियां कर रहे हैं तो तुरंत ही इस गलतियों को सुधार लें। फिलहाल आगे बढ़ते हुए अब राशियों की बात एक बार फिर से कर लेते हैं, और अब देखते हैं तुला, वृश्चिक और धनु राशि का दैनिक राशिफल। तुला राशि, देखिए इस समय स्थितियां ऐसी बनेंगी कि आपको कोई महत्वपूर्ण निर्णय लेना पड़ेगा और निर्णय ज्यादातर आपका ठीक होगा। काम के मामले में आपको सफलता मिलेगी, लेकिन मौसम के बदलाव के समय में आप बीमार हो सकते हैं, सर्दी जुकाम हो सकता है, उसका ध्यान रखिएगा। शुभ रंग होगा क्रीम, और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70%, यानी मध्यम भाग्य आपके साथ बना रहेगा। वृश्चिक राशि, आर्थिक पक्ष आपका लगातार बेहतर होता जाएगा, आपके तमाम रुके हुए काम इस समय पूरे होंगे, इस समय आपको पद प्रतिष्ठा की प्राप्ति भी अवश्य होगी। शुभ रंग जिसका प्रयोग करेंगे वो होगा सफेद, और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 80%, यानी काफी अच्छा भाग्य आपके साथ बना रहेगा। धनु राशि, आपको आपके करियर में, कार्यक्षेत्र में, ऑफिस में लाभ के योग बन रहे हैं, और इस समय आप कोशिश करेंगे तो आपके तमाम महत्वपूर्ण काम निश्चित रूप से बन जाएंगे। स्थान परिवर्तन के योग भी आपके लिए दिखाई दे रहे हैं। शुभ रंग जिसका प्रयोग करेंगे वो होगा गुलाबी, और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 90%, यानी सबसे ज्यादा भाग्य आपके साथ बना रहेगा। तो तुला वृश्चिक धनु के बारे में पंडित जी ने बताया, कितना भाग्य आप लोगों का साथ दे रहा है ये आपने जाना। फिलहाल आखिरी तीन राशियों के बारे में भी बताएंगे, लेकिन उससे पहले एक और सवाल पंडित जी से यहाँ पर ले लेते हैं। वो ये कि अब कांच से जुड़ी हुई कुछ महत्वपूर्ण बातें पंडित जी आपने हमको बताई, लेकिन और भी कई विशेष बातें हैं जो हमसे छूट गई हैं, तो कौन सी वो विशेष बातें हैं, किस तरीके से हमको ध्यान में रखनी चाहिए जो कि कांच से जुड़ी हुई हैं? देखिए, घर में कांच के दरवाजे अगर आप लगवाते हैं, दरवाजों पर कांच लगवाते हैं, खिड़कियों पर लगवाते हैं, तो ये ट्रांसपेरेंट नहीं होना चाहिए, ये टिंटेड ग्लास होगा तो अच्छा होगा, क्योंकि दरवाजों पर, खिड़कियों पर शुक्र को आमंत्रित करना अच्छा नहीं है, इसलिए टिंटेड ग्लास होना चाहिए। अगर ये धुंधली हो, टिंटेड हो, तो बहुत अच्छा होगा। अगर आपको सपने में कांच का ग्लास दिख रहा है, कांच का महल दिख रहा है, दर्पण दिख रहा है, आईना दिख रहा है, तो जिंदगी में नए रिश्तों की शुरुआत होती है ऐसा माना जाता है। अगर आपको कांच टूटता हुआ दिखता है सपने में, तो ये रिश्ते टूटने की संभावना बता सकता है, या अचानक आपका स्वास्थ्य खराब हो सकता है। देखिए, जहां तक संभव हो कांच की चीजें उपहार में मत दीजिए।
अगर आपको किसी को ग्लास देना ही है तो स्टील का दे दीजिएगा, लेकिन कांच का ग्लास, कांच के टी सेट्स, ये सब उपहार में देने से बचिए, क्योंकि ये रिश्तों को सेंसिटिव बना देते हैं, रिश्तों को संवेदनशील कर देते हैं, जो कि बहुत अच्छी स्थिति नहीं है। तो चलिए, पंडित जी ने आज आपको बताया कांच के बारे में, किस तरीके से आपके जीवन को कांच का इस्तेमाल आप अगर कर रहे हैं तो वो प्रभावित कर सकता है, कौन सी चीज़ों से आपको बचना चाहिए। फिलहाल आगे बढ़ते हुए अब आप लोगों के सवाल ले लेते हैं, देखते हैं आज का सवाल हमें किसने भेजा है। श्रीमती ललिता तिवारी जी ने हमें सवाल लिखा है, अहमदाबाद से लिखती हैं, अपनी पुत्री सुमन तिवारी के बारे में जानना चाहती हैं। सुमन की जन्म तारीख है 9 मई 1999, जन्म का समय है रात को 11:35 और जन्म का स्थान है अहमदाबाद, गुजरात। ललिता जी पूछ रही हैं कि इनकी पुत्री 2 सालों से UPSC की प्रशासनिक सेवा की तैयारी कर रही है, क्या इसमें सफलता मिल पाएगी? देखिए, आपकी पुत्री की कुंडली बनती है धनु लग्न की और उनकी राशि बनती है कुंभ राशि, महादशा बृहस्पति की और अंतरदशा इनकी बुध की फिलहाल चल रही है। 2023 और 2024 में एक अच्छा समय है और इस समय प्रयास करने से UPSC में इनका सिलेक्शन होना चाहिए, ये संभावना ज़रूर बनती है। तो इनको तैयारी करने को कहते रहिए, तैयारी ये करती रहें, 23-24 में इनका फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा। 2 उपाय करेंगी, एक तो नित्य प्रातः सूर्य भगवान को जल चढ़ाएंगी, डेली मॉर्निंग, और एक पन्ना बनवा करके पहनेंगी, लगभग 6 से 8 रत्ती का पन्ना, चांदी की अंगूठी में, दाहिने हाथ की सबसे छोटी उंगली में, बुधवार की शाम को पन्ना पहनने से लाभ होगा। तो अगर आपका भी कोई सवाल है जो आप पंडित जी से पूछना चाहते हैं, आप भी हमें लिख भेजिए हमारी ईमेल आईडी पे जो कि आपकी स्क्रीन पर इस वक्त फ्लैश हो रही है। फिलहाल आखिरी 3 राशियों के बारे में अब जान लेते हैं, देखते हैं मकर, कुंभ और मीन राशि का दैनिक राशिफल। बात करते हैं मकर राशि की। देखिए, इस समय आप यात्राओं पर जा सकते हैं, यात्राओं की संभावनाएं आपके लिए दिख रही हैं, लेकिन यात्राओं में सावधानी रखिएगा, मुश्किलें हो सकती हैं। आपके ऑफिस में किसी तरह का विवाद ना हो, इसका भी ध्यान रखिएगा। पीपल के वृक्ष के नीचे एक सरसों के तेल का दीपक अगर आप जला दें तो आपके लिए बहुत शुभ रहेगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करेंगे वो होगा हरा, और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%, यानी मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम रहेगा। कुंभ राशि, आपके करियर में, रोजगार के मामलों में सुधार होगा, इस समय आपको उपहार का लाभ मिलता दिख रहा है, प्रेम संबंधों की शुरुआत हो सकती है या प्रेम संबंधों में सफलता मिल सकती है। शुभ रंग जिसका प्रयोग करेंगे वो होगा सुनहरा, और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70%, यानी मध्यम भाग्य आपके साथ बना रहेगा। मीन राशि, रुका हुआ धन इस समय आपको प्राप्त होगा, मान सम्मान की प्राप्ति भी होगी आपको, और साथ ही साथ आपके स्वास्थ्य में सुधार होगा। शुभ रंग आपका होगा सफेद, और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 80%, यानी काफी अच्छा भाग्य आपके साथ बना हुआ है। तो सभी राशियों के बारे में पंडित जी ने यहाँ पर आपको बता दिया है किस तरीके से भाग्य आपका साथ देगा, ये आपने जाना। आइए अब देख लेते हैं उनके बारे में भी जिनका जन्मदिन आता है 26 फरवरी को, उनके लिए ये साल कैसा रहने वाला है, पंडित जी से पूछते हैं। जी, जिन लोगों का जन्मदिन 26 फरवरी को है उन्हें हम सब की तरफ से जन्मदिन के हार्दिक शुभकामनाएं। आने वाले वर्ष में आपके धन की समस्याओं में, आपकी फाइनेंशियल कंडीशन में सुधार होगा, आपके करियर में और आपके स्थान में परिवर्तन के योग बन रहे हैं, विवाह के मामले में, संतान के मामले में अभी आपके विलंब होगा। क्या करना चाहिए, पूरे साल भर शनि मंत्र का अगर आप जप करें, ओम शं शनैश्चराय नमः, रोज शाम को 108 बार, तो आपके लिए बहुत
शुभ रहेगा। और चलिए कार्यक्रम के आखिरी पड़ाव पर हम पहुंच चुके हैं और यहां पर हम आपको बताते हैं एक महा उपाय। तो जानते हैं पंडित जी से क्या है आज का महा उपाय। देखिए, अचानक से आपके स्वास्थ्य में कोई बड़ी समस्या आ गई, अचानक से घर में कोई सेहत के मामले में एकदम गिर गया, बीमार पड़ गया, क्या करेंगे? जिस समय से समस्या आ गई है, मान लिया आपके खुद के स्वास्थ्य में समस्या आ गई है, तो जिस समय से समस्या आ गई है उस समय से चारों वेला, सुबह, दोपहर, शाम, रात, राम रक्षा स्तोत्र का पाठ करें और हफ्ते में या महीने में एक बार पिंजड़े में बंद पक्षियों को स्वतंत्र कर दें, उड़ा दें। अगर आप खुद नहीं कर सकते, मान लिया आप बीमार हैं, तो बीमार व्यक्ति के परिवार का कोई भी सदस्य बीमार आदमी के लिए ये उपाय कर सकता है, इससे निश्चित रूप से लाभ होगा। तो इस महाउपाय के लिए पंडित जी शुक्रिया आपका, और साथ ही साथ कांच के बारे में कई महत्वपूर्ण बातें हमारे दर्शकों को बताने के लिए भी आपका शुक्रिया, धन्यवाद। तो गुड लक टुडे में आज फिलहाल इतना ही, फिर होगी आपसे मुलाकात, लेकिन अच्छी खबरों के लिए आप देखते रहिए गुड न्यूज़ टुडे।